देवरिया से भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती का कार्यक्रम आज आदिवासी विस्थापित ग्राम रायखेड़ा में जनजातीय बंधुओं के बीच में जाकर मनाया। कार्यक्रम में दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार और बिरसा मुंडा जी का जन्मोत्सव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर, प्रशांत रघुवंशी, प्रीतम पूर्बिया, राजेश बेस, मनोज पाल, वरिष्ठ समाज सेवी नमन ठाकुर, ललित विश्वकर्मा, उमेश शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा के जीवन पर जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल का उद्बोधन सभी को मिला। विधायक ठाकुर दास नागवंशी ने बताया कि भगवान बिरसा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के समय हम सभी बंधुओं को भगवान बिरसा के बताए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उनके त्याग समर्पण को हम सभी याद रखें। लगाओ बेटा, लो जल्दी लो, आप लोग लो लगा। चाहता हूँ आज जननायक बिरसा मुंडा का हम जन्मदिन है और ये आदिवासी जनजाति के जननायक बोले जाते हैं, पर ये जहाँ पैदा हुए वहाँ के आदिवासी भाई इनको भगवान मानते हैं। समाज को जागरूक करने वाले, समाज को उत्थान की ओर ले जाने वाले ऐसे जननायक जिन्होंने देश की क्रांति में, देश को आजाद कराने के समय उस क्रांति में भी इन्होंने भाग लिया। जब अंग्रेज का शासन काल था उस समय इनके माँ बाप चाहते थे ये पढ़ें और नौकरी करें। इनको स्कूल में पढ़ाया गया, फिर नहीं पढ़ पाए, फिर उस समय क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करती थी, अभी भी हैं, वहाँ इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यहाँ वो पढ़े भी और पढ़ने में बहुत तेज भी थे। सबसे पहली बात कि हमारा समाज अगर पीछे है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा। क्या भैया? शिक्षा। अभी बच्चे पढ़ते हैं, सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति बिगर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। सरकार आपकी मदद करती है और सरकार भी मदद कर रही है और उसके बाद भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब इसमें गलती किसकी? हम लोगों ने जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन किया। बलि की, भगवानी शुद्ध हनुमान की, भारत माता की, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद समाज को आगे बढ़ाया, समाज के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। आज उनका जन्म दिवस है 15 तारीख को, उस उपलक्ष में हमारे क्षेत्र के सभी सम्माननीय गण आप लोगों के बीच, नन्हे नन्हे बच्चों के बीच उनका जन्मदिन मनाने के लिए आपके साथ। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आज 15 तारीख 11-12 बजे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष पर इस आदिवासी बहुल बस्ती में हम सभी लोग
भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए आप सभी लोगों के बीच में हम आए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ललित विश्वकर्मा जी। बिरसा मुंडा जी का जब जन्म हुआ उसके बाद से ही अद्भुत क्षमता के धनी थे आप। आपने बाल्यकाल से ही आदिवासी समाज की चेतना के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बाल्यकाल में ही आपने मसनरी स्कूल में जब अपनी विधायक जी के नेतृत्व में आए हैं तो हम सभी लोग बच्चों के साथ मिठाई बांटकर एवं फटाके बकरे फुलझड़ी अनार जलाकर इस महान दिवस को मनाकर अपनी खुशी जाहिर करने आए हैं। अस्तु, धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। दिवाली के इस मंगल अवसर पर आप सभी की मनोकामना पूरी हो, खुशियां आपके कदम चूमे, इसी कामना के साथ आप सभी को दीपावली की ढेरों बधाई। निवेदक श्रीमती वंदना गोविंद मेहरा, जिला पंचायत सदस्य अभिनेश ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि कमलेश कुमार आचार्य, युवा नेता शोभापुर। जगमग थाली सजाओ, मंगल दीपों को जलाओ, अपने घरों और दिलों में आशा की किरण जगाओ, खुशियों और समृद्धि से भरा हो आप सभी का जीवन, इसी कामना के साथ शुभ दीपावली। निवेदक रामविलास पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत चांदीखेड़ी, तहसील सुहागपुर, जिला होशंगाबाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।